الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه ईमानदारों के इस मजमे में ईमानदारी के साथ दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि मोहतरम डॉक्टर एम ए सिद्दीकी साहब ने मेरे गले में फूल डाल दिया। मैं बाकायदगी अख्तियार नहीं कर पाया था कि इधर से किसी जिम्मेदार ने एक बड़ा फूल चढ़ा दिया और आप लोग देखते रहे, किसी ने टोका नहीं, किसी ने रोका नहीं, किसी ने फतवा लगाया नहीं, किसी ने बिदअत कहा नहीं। इसका मतलब यह है कि इतने बड़े मजमे में आला दर्जे के ईमान वाले भी मौजूद हैं। लखनऊ की जान सुन्नियत की पहचान फरंगी महल से है, किसी बेईमान घराने से नहीं। मैं लखनऊ को संवारने आया हूं, पुराना मोहब्बत भरा लखनऊ बनाने आया हूं। मैं बहरुल उलूम फरंगी महल का लखनऊ देखना चाहता हूं। मैं इमाम अहले सुन्नत अब्दुल बारी फरंगी महली का लखनऊ देखना चाहता हूं। मुझे सिबगतुल्ला फरंगी महली का रंग चाहिए, मुझे मदीना चाहिए नजद नहीं, मुझे करबला चाहिए यजीद नहीं। आजाद वो जोश बड़ा मुबारक है जिसमें होश हो, और वो होश बड़ा कीमती है जिसमें जोश हो। क्या कहने, बस सिद्दीकी साहब कहीं चले तो नहीं गए, क्या समझ के चढ़ाया है वो बताओ। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला अल्लाह आपके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए, आपकी जिम्मेदारी, आप इजलास के सदर हैं, क्या समझ के चढ़ाया है, जिंदा समझ के या मुर्दा समझ के। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। अरे मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं? जिन लोगों के लिए मैं शफा बन के आया हूं उनको तो छोड़ दीजिए, मेरा अव्वल तो कोई दुश्मन नहीं है मेरा। मैं तो किसी का दिल ही नहीं तोड़ता, ना मैं कानून तोड़ू, ना व्यवस्था तोड़ू, ना ला ना ऑर्डर। अरे पैगंबर है, हम लोग शांति को मांगता हूं, हम लोग शांति लाता हूं। मेरा दुश्मन भी मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है। जो लोग नबी और वली को जिंदा नहीं समझ पाए वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि इस वक्त एट दी मोमेंट कोई हाशमी को मुर्दा कहे। वैसे हाशमी कहां मुर्दा, मोहम्मद हाशमी।
मुर्दा मैं ऐसा जिंदा हूं, ऐसी रगें चल रही हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, रेस्पिरेशन कंटिन्यू है, एक्शन ऑफ बॉडी प्रेजेंट है, बॉडी में सोल मौजूद है। अगर किसी के दिमाग में होल है तो भी मेरे सोल का इनकार नहीं कर रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी समझदार से पूछेगा ये कुर्सी पर बैठा ये जिंदा है कि मुर्दा, तब जाहिर है कि जब मामूली लोग मुझे जिंदा समझते हैं तो ये तो डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है, वक्त की नब्ज जानते हैं। तो हम सब जिंदा ही समझ के चढ़ाया है ना फूल। अब हम ईमान वालों की बात समझो, हमारा अकीदा कितना आसान है कि हम फूल जिंदा ही पे चढ़ाते हैं। जो चाहूंगा हमेशा हम फूल जिंदों ही पे चढ़ाते हैं, चाहे जिंदा जमीन पर हो चाहे जिंदा जमीन में हो। और नारे रिसालत हमको तौहीन अंबिया से बचाता है, और नारे हैदरी हमें हर आफत से बचाती है। नबी हमारा मरकज, नबी हमारा सेंटर, नबी हमारा मरकज तवज्जो, जो मरकज तवज्जो है वही काबा। हमारे पास दो काबा है, एक वो काबा है जिधर हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और एक दूसरा काबा है जो काबे का भी काबा है। आजियो आओ, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमें मोहब्बत खजाना है, अब ये खजाना जिसके पास हो क्या कहने, जो कड़का है मफलूकुल हाल है, वो खून खराबा नफरतें झूठ करेगा करेगा, लेकिन बाबा ये बात याद रखो कि हम फूल जिंदों ही पे चढ़ाते हैं, चाहे जिंदा जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो, तभी तो मुर्दों को तकलीफ होती है। आप अजीब किस्मत है यार, हम चढ़ाते हैं वो चिढ़ाते हैं, क्या तकसीम मुकद्दर है। एक कासिम किस्मत, ये दो किस्मतें बनाई हैं, हलावत ईमान से कल्ब को मदीना बनाने वाले वो चढ़ाते, पता नहीं किस फैक्ट्री से निकले हुए लोग हैं जो चिढ़ाते। मगर भैया हम आपको किसी बात से रोकेंगे नहीं, नो प्रेशर इन रिलीजियन, हम सच बता देंगे, मानो ना मानो तुम जानो। जब अल्लाह ताला ने इरादा किया है कि वो दो घर बनाए, एक जन्नत एक जहन्नम, और सबकी सबका रिजर्वेशन पक्का है, मैं कौन होता हूं कैंसिल करने वाला। अब रहा कौन जन्नत में जाएगा, ये किताबों में जाने की जरूरत नहीं, ना किसी के एक हफ्ता रहने की जरूरत है, ना 40 दिन भटकने की जरूरत है, खाली लाइन देखने की जरूरत है। चार बार स्टेशन पे खड़े हो जाओ तुमको मालूम हो जाएगा कौन फर्स्ट क्लास में जाएगा कौन थ्री टायर में जाएगा, पता चल जाएगा।
ये थोड़ी पूछो, तुम्हें ये नहीं मालूम कब जाएगा, लेकिन ये मालूम है किस गप्पे में जाएगा। तारीख नहीं मालूम, वक्त नहीं मालूम, ट्रेन का नाम नहीं, हम तो लाइन देख रहे हैं। तुम्हें पूछे ये कहाँ जाएगा, ये थ्री टायर में जाएगा, ये फर्स्ट क्लास में जाएगा। कैसे मालूम, देख नहीं रहे हो फर्स्ट क्लास की खिड़की की लाइन में है। तो जन्नतियों की जो लाइन है वो वही है जिन पर अल्लाह का इनाम है, और अल्लाह का इनाम किस पर है, ये भी अल्लाह ने खोल के कह दिया, अनम अल्लाह अलैहिम मिन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। ये है लाइन जन्नतियों की, और जिस पर अल्लाह का इनाम है वही है सिरात मुस्तकीम, और जो इस पर न चला गए दिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। सरातमस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला, सरातम सीधा रास्ता वो है जिस पर अल्लाह का इनाम, अल्लाह का इनाम नबीयीन पर, सिद्दीकीन पर, शोहदा पर, सालेहीन पर। तो नबीयीन सरात मुस्तकीम, सिद्दीकीन सरात मुस्तकीम, शोहदा सरात मुस्तकीम, सालेहीन औलिया किराम सरात मुस्तकीम। और जो इन चारों से महरूम, गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, वो यहूदियों का रास्ता है, नसरानियों का है, और इन इनके किस्म के मुर्तद्दीन का रास्ता है। इनको फिरका कहनी नहीं चाहिए, ये तो मुर्तद हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो मुझे दावत दीजिए, जहां बुलाओगे चले आएंगे, क्योंकि हम लोग इमाम हुसैन की औलाद हैं, नतीजा नहीं देखते, दावत देख लेते हैं। बात बढ़ाते क्यों हो, बात बढ़ाते क्यों हो, बुलाओ लिख के भेजो, तब पता चलेगा कि अली की औलाद को बुलाना कितना अली का घर भी क्या घर है, कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम का जिंदा। आज हम तमाम डॉक्टरों से माफी मांगते हुए, आप जिसको मुर्दा कहेंगे मैं नहीं मानूंगा, मैं उसको मुर्दा मानूंगा जिसको कुरान मुर्दा कहे, अब मैं किसी को जिंदा नहीं मानूंगा, उसी को जिंदा मानूंगा जिसे कुरान कहे। आप अपनी मेडिकल साइंस अपने पास रखिए, हम मुसलमान मुसलम ईमान, सलामती हमारी जान, बारगाह किबरिया में कमाले सुपुर्दगी हमारी शान, मुस्तफा की गुलामी हमारी पहचान, उनके घर पर उनके असहाब पर जान देना हमारी शान हमारी पहचान। जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए करे घबराओ मत, क्योंकि मेरे आका मौला को वही रंग पसंद है कि थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ा सा उजाला हो, थोड़ा सा सवेरा हो, सुबह सादिक का माहौल हो, तभी तो आते हैं। ये रबीउल अव्वल है, ये रबीउल नूर है, इसमें अपने आका मौला को पहचानो। कुरान जिसे जिंदा कहेगा वो जिंदा फाइनल, ठीक है, और कुरान जिसे मुर्दा कह दे मुर्दा। आइए पहले मुर्दा समझें, ताकि मुर्दों को समझने में हमसे गलती ना हो। इतना बढ़िया समझदार मजमा मिला है, इशारा ही काफी है, लेकिन खोल के बोलना मेरी आदत है। ये फातिमी दूध है जो छुप के नहीं छा करके बोलता है। हमारे भतीजे ने कहा था कान में खुसुर फुसुर, अजी नहीं, हम तो 1-to-1 बोलने वाले हैं। प्यार हमारा पैगाम है, सच्चाई फैलाना और शांति बनाए रखना। ये तो फसादियों का है, वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो दरवाजा। अबे क्यों दुनिया डाल कर
नथिंग। हमें जब मैं माल था तब मैं झगड़ा भी करता, मैं कैसे झगड़ा करूं, मैं माल ही नहीं हूं, मैं तो बिक गया, मैं बिका हुआ हूं। हाशमी की जबान बिकी हुई है, हाशमी का जहन बिका हुआ है, और बादशाह बोल दूं बिके वो भी है, बिके हम भी हैं, हमारा भी दाम लग गया, उनका भी लग गया, मगर किस्मत का फर्क यह है कि उन्हें नजद के दुनियादार ने खरीदा है, हमें मदीने के ताजदार ने खरीदा। आइए आलम ख्याल में हम बारगाह रिसालत में चलें, और माथे की आंखों से तारीख के हवाले से तुम अपने नबी को देखोगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को इकट्ठा करके बोल रहे हैं, या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पाओगे, मेरे नबी ने दावत दी ला इलाहा इल्लल्लाह को, बुजहलियों ने, बुलहबियों ने, अदबान शैबा कंपनी ने इनकार किया, कफारे कुरैश ने इनकार किया, नहीं जिन्होंने मान लिया वो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुकद्दस लफ्ज़ से याद किए गए, और जिन्होंने नहीं माना कुफारे कुरैश मुशरिकीन अरब अरब के गुंडों के नाम से याद किए गए, नहीं माना, माना तो सितारों की तरह चमके, नहीं माना तो अंधेरों में गुम हो गए, और जब इनकार बढ़ाया अबू जहलियों ने इनकार बढ़ाया, अबू लहब एंड कंपनी ने, अबू लहब एंड संस इन्होंने जब इनकार बढ़ाया तो मेरे नबी ने इशरार बढ़ाया, समझ गए, जितना तुम इनकार करोगे हाशमी इशरार करेगा, तुम बूजहलियों की नकल करो हम अपने आका की नकल करो, इनकार बढ़ता गया तो नबी का इशरार बढ़ता गया, इनकार बढ़ गया नबी ने इशरार बढ़ा दिया, और नबी ने इनकार पर इनकार, इनकार पे इनकार, नबी की तरफ से इशरार पे इशरार, इशरार पे इशरार। इसी दरमियान जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही इलाही लेकर बारगाह नबी में हाजिर हुए, इन्नका लतुस्मउल मौता, आयत याद करो, कुरान की आयत याद करो, इन्नका लतुस्मउल मौता, ए रसूल ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तवज्जो, ये जो समात है नहीं सुनेंगे, ये मुहावरतन बोला है कुरान, समात कबूल से ये महरूम है, सुनते तो है मगर मानेंगे नहीं, ए महबूब ये नहीं माने क्यों, इन्नका लतुस्मा, ये समात नहीं करेंगे क्यों, मौता, अरबी में मौता कहते हैं मुर्दे को, कल किसी अंधेरी गली में ये मत कहना कि यहां तशबीह के लिए है, हमारे जिन बुजुर्गों ने कहा यह तशबीह के लिए है उन्हें मैं अदब से सलाम करूंगा, लेकिन अपना ततफुल बताऊंगा, अपना अपना बचपना भी पेश करूंगा कि हुजूर कल मौता नहीं है, हरफे तशबीह जो का है वो कल मौता नहीं है कि मुर्दे की तरह है, मौता मुतलक है, मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है, और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताजर ना हो मजाज की तरह उदूल की जरूरत नहीं, हकीकी माने में ये मुर्दे हैं, तो कुरान ने किसे मुर्दा कहा, बुजहलियों को मुर्दा कहा, बुलहबियों को मुर्दा कहा, अकबा और शहबा को मुर्दा कहा, कुफारे कुरैश को मुर्दा कहा, मुशरिकीन अरब को मुर्दा कहा, और किस हालत में कहा, जब वो नबी की बात सुन रहे हैं तब मुर्दा कहा, जब चल रहे हैं तब मुर्दा कहा, खा रहे हैं तब मुर्दा कहा, पानी पी रहे तब भी मुर्दा कहा, उठते हैं बैठते हैं मगर मुर्दा है, चलते फिरते हैं मगर मुर्दा है, देखते सुनते हैं मगर मुर्दा है, खून की दौरान जारी है मगर मुर्दा है, सांसें चल रही है मगर मुर्दा है, सर से पैर तक सही सलामत है मगर मुर्दा है, बातें सुनते हैं मगर मुर्दा है, नबी बुलाए तो आते हैं
मगर मुर्दा है, नबी की बात मानते नहीं क्योंकि मुर्दा है। मक्के में चलते चलते मुर्दा, खाते पीते मुर्दा, उठते बैठते मुर्दा, जागते सोते मुर्दा, चलते फिरते मुर्दा, सांसें लेते हुए मुर्दा, जिस्म के आजा सही सलामत है, खून की दौड़ान जारी है, सांसें चल रही है, मगर कुरान की नजर में वो सब के सब मुर्दे हैं। और एक दूसरा मर्दे मोमिन जो लाए खुदा में गर्दन कटा दे और उसकी सांसें रुक जाए, खून बह जाए, छाती कट जाए, कलेजा निकल आए, दांतों से चबाया जाए, उसे कोई मुर्दा कहे, इससे पहले कुरान बोलता है ला तकुलू लमन युक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात। राह खुदा में जो गर्दन कटा दे उन्हें मुर्दा ना कहो, राह खुदा में जो गर्दन कटा दे ला तकुलू माने कहना मत, ला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله اموات, सोचना मत जो राह खुदा में गर्दन कटा दे उनको मुर्दा सोचो मत। एक आयत में यह है कि सोचना मत, एक आयत में है बोलना मत, मुर्दा कहना नहीं, मुर्दा सोचना नहीं। दुनिया के किसी कानून में सोचना जुर्म नहीं है, अमेरिका से लेके फिजी तक मैं हो आया हूं, 35 देशों में मैं अपना प्रवचन कर चुका हूं, 35 देश के मेरे मोहर लगे हुए, पांचों महाद्वीप में जा चुका हूं, मैंने किसी देश में नहीं पाया कि सोचना जुर्म हो। जब मैंने इस्लाम पे भी गौर किया कि जुर्म के बारे में इस्लाम तू क्या कहता है, का सोचने में तो माफ है, करना मत, करेगा तो जुर्म होगा। इंडियन पेनल कोड में भी यह सोचा करो, मैं कल प्राइम मिनिस्टर बनूंगा सोचो, जुर्म नहीं है। मैं कल डकैती करूंगा सोचो, पुलिस तुम्हारे यहां नहीं आएगी, बस डकैती करना मत। तो शराब को सोचने से हराम नहीं हुआ, यह है कि नीयत अच्छी नहीं है, लेकिन जुर्म नहीं बना। जुर्म बनता है जब पी लो, जुर्म बनता है चोरी सोचने से, जुर्म नहीं बनता जब करो, जुर्म बनता ही नहीं सोचने पर। इसलिए लोग सोचते हैं फिर नहीं करते हैं, जुर्म से बच गए, सोचा मगर किया नहीं, जुर्म से बच गए। मगर शहीदों, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मुर्दा कहने पे भी पाबंदी, मुर्दा सोचने पे भी पाबंदी, कहो तो काफिर, सोचो तो काफिर। तो जो शहीदों की शहादत ना समझे, उस ना समझ को मैं क्या समझूं? ताज्जुब है, अबू जहल मरा नहीं, ओ मुर्दा, मरने से पहले ही मुर्दा। अमीरी हमजा की छाती कट गई, कलेजा निकल आया, सांसें रुक गई, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ठहर गया, जिंदा, फारूक जिंदा, अली जिंदा, हसन जिंदा, शोदाए करबला, शोदाए उहुद, शोदाए बद्र, शोदाए खैबर, शोदाए करबला जिंदा, हुसैन जिंदा, अली अकबर जिंदा, अब्बास अलमबरदार, कब्रे बड़ी हाशिम जिंदा, दूध पीता बच्चा आगोशे हुसैन में अली असलम जिंदा। मौत आई मगर जिंदा, मौत आई मगर जिंदा। सैयद सालार मसूद गाजी 18 साल की जवानी में कट गए मगर जिंदा। मैं पूछना चाहता हूं शहदाए हिंद जिंदा, शहीद जिंदा, मारा गया जिंदा, कफलाया गया मगर जिंदा, कब्र में कफलाया गया मगर जिंदा, और ये मक्के में चलता फिरता उठता बैठता अबू जहल मुर्दा। मलकन मौत ने अबू जहल अबू लहब जैसे लोगों की रूह नहीं निकाली, कुरान बोला ये तो अभी से मुर्दा,
अमीर हमजा जैसे शहीदों की रूह निकाल ली, मगर कुरान बोलता है अब भी जिंदा। तो इसका मतलब जिंदगी और मौत का ताल्लुक मलकन मौत के आने जाने पे नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, मलकन मौत के आने से कोई मुर्दा नहीं होता, और जब तक वो ना आए तो जिंदा नहीं रहता, कोई और है। दुनिया मरने को मौत समझती है, मगर आओ कुरान में देखो, सुम्मुम बुकमुन उमियुन फहुम लायल जोर। कुरान ने आंख वालों को अंधा कहा है, कुरान ने जबान रखने वालों को गूंगा कहा है, कुरान ने कान रखने वालों को बहरा कहा है, कुरान पहली मरतबा सांस लेने वालों को मुर्दा कहा, सांस लेने वालों को मुर्दा, आंख वालों को अंधा, जुबान वालों को गूंगा, कान वालों को पहली बार बहरा कहा। और कुरान ने नया नजरिया दिया कि तुम आंख रख के आंख वाले नहीं हो, कान रख के कान वाले नहीं हो, जबान रख के तुम जबान वाले नहीं हो। जो लोग कान रख के हक ना सुने बहरे हैं, आंख रख के हक ना देखे अंधे हैं, और दिल रख के आका मौला को ना माने तो मुर्दे हैं। 12 बजे के बाद बैठा हूं, अगर आप लोग सारा वक्त नारों में ले लेंगे तो मेरे इरादों का क्या होगा। जिंदा अमीर हमजा, रूह कब्ज हो गई मगर जिंदा। अबू जहल रूह कब्ज होने से पहले मुर्दा, ये जीते जी अबू जहल मुर्दा कैसे हो गया, ये मर के भी अमीर हमजा जिंदा कैसे हो गए। वजह मैं बताऊं, रसूल की वफादारी ने, तवज्जो, नबी की वफादारी ने अमीर हमजा को मरने नहीं दिया, और रसूल की गद्दारी ने अबू जहल को जीने नहीं दिया। अबे रहने दे भाई, कोई जरूरी है नारा लगा था, और वो भी उल्टे माइक से। रसूल, अब आप नतीजा क्या निकला, रसूल की वफादारी का नाम जिंदगी है, रसूल की वफादारी का नाम जिंदगी है, और रसूल से गद्दारी का नाम मौत। लिहाजा सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन या इम्मे ताहिरीन का नाम लेने का हक उसी को है जो रसूल का वफादार हो, क्योंकि सहाबा का ताल्लुक रसूल के दर से है, और अहले बैत का ताल्लुक रसूल के घर से है। अबे जब तेरा ताल्लुक रसूल से नहीं तो दर कैसा, तेरे लिए घर कैसा, घर के बाहर दर बदर, दर बदर। ये तो हमारी किस्मत है कि हमारे पास नजफ में भी है दर और मोहल्ला भी आएगा। भाई नारे पे रोक लो, खुश होने का हक है, मेरा टाइम मत खाओ। कभी आपने ये देखा है कि अभी हमारे अजीजुल कादर कह रहे थे मुर्दे लेते देते नहीं, मुर्दों में लेन देन, गिव एंड टेक, देखा ये सब जिंदों में होता। अगर पान की दुकान पर कब्रस्तान से कोई मुर्दा कफन फाड़ के निकल पड़े और आके पनवाड़ी से कहे मुझे एक बिला पान दे दो, वो भाग खड़ा होगा, ले ले पूरी दुकान, छोड़ मेरी जान, तू और कब्रस्तान, कहां कब्रस्तान का मेरी दुकान। फिर सबको छोड़ करके मखदूम मीना के यहां जाएगा। जब ये मुसीबत में आते हैं तब वली याद आते हैं, ये अल्लाह इन्हें इतनी मुसीबत में रख के हर वक्त अली और वली याद आते हैं। जरा सी तबीयत ठीक हुई तो दारुल नदवा चले जाते हैं।
हजरत ये दारुल नजवा इंडिया में नहीं है, ये वहाँ शेख नजद के रूप में इबलीस आया था, उसकी सलालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उसको तारीख की किताबों में नजवा कहा गया है। पता नहीं इन्हें क्यों ये लफ्ज पसंद आया, हमें मदीनतुर रसूल भा गया, इन्हें वो भाया, जैसा मिजाज था वही पाया। एक बात और बोलूं, ये कस्टमर और दुकानदार के दरमियान जो ग्राहक है उसकी पसंद अलग अलग है, लेकिन दुकान वालों की पसंद एक ही है। यहां से अमेरिका तक चले जाइए, जो कारोबार करता है उसकी एक ही पसंद है, मनी, करंसी, सबको रुपया चाहिए। लेकिन जो ये कस्टमर है, किसी को गेहूं चाहिए, किसी को चावल चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को टेलरिंग चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को एडमिशन चाहिए, किसी को मदरसा चाहिए, किसी को स्कूल चाहिए, किसी को कॉलेज चाहिए, सबकी अलग अलग पसंद है। किसी को बीवी चाहिए, किसी को भाई चाहिए, किसी को बहन चाहिए, किसी को औलाद चाहिए। तो कुछ जिंदे ऐसे हैं जिनकी पसंद बहुत ज्यादा अलग अलग है, और जिंदा वही है जो नबी का वफादार हो, जिंदा वही है जो, तो जितने नबी के वफादार यहां लखनऊ में है, इंडिया में है, दुनिया में है, वो यहां जिंदा है। जितने नबी के वफादार जमीन पर है वो यहां जिंदा, और जितने वफादार इंतकाल कर गए वो वहां जिंदा। और कारोबार जिंदोई में होता है, लेन देन जिंदोई में होता है, हम जिंदा। हमने देखा ए मदीने वाले तेरी पसंद, मदीने वाले, मक्के वाले, जन्नतुल बकी वाले, ए असहाबे मुस्तफा आपको क्या पसंद, अली आपकी पसंद, मौला हसन आपकी पसंद, आका हुसैन आपकी पसंद, जैनुल अब्दीन आपकी पसंद, इमाम बाकर आपकी पसंद, इमाम जाफर सादिक आपकी पसंद, इमाम मूसा काजिम आपकी पसंद, इमाम मूसा रजा आपकी पसंद, हसन अस्करी आपकी पसंद, गौसे अजम आपकी पसंद, गरीब नवाज आपकी पसंद, कुतुबुल अख्ताब आपकी पसंद, महबूब इलाही आपकी पसंद, मखदूम मीना आपकी पसंद, ए अल्लाह वालों आपको क्या पसंद, जवाब मिला हम वहां हैं वहां हमें सवाब पसंद, सवाब पसंद, सवाब पसंद। तो अली को सवाब पसंद, वली को सवाब पसंद, सिद्दीकीन को सवाब पसंद, शहीदों को सवाब पसंद, अल्लाह के दोस्तों को सवाब पसंद, अल्लाह वालों को सवाब पसंद, उनकी पसंद वहां हम यहां जानते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कुरान पढ़ा सवाब, हदीस पढ़ा सवाब, तकरीर किया सवाब, कुल पढ़ा सवाब, खाना बनवाया सवाब, सबील लगवाई सवाब, इरादा किया सवाब, मोहब्बत किया अहले बैत से सवाब, वली की ताल्लुक को रखा सवाब, फुकरा को, गुरबा को, मसाकीन को खिलाया पिलाया सवाब, और जब इकट्ठा हो गया सवाब तो कर दिया ईसा ने सवाब। तो जो वहां जिंदा है नबी, सहाबी, अहले बैत, आले रसूल, औलादे मुस्तफा, आले अली, सारे वली, कादिरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, सारे वली वहां जिंदा। जब उनकी पसंद यहां से हमने भेजा, हैदरगंज से, हैदरगंज से बगदाद, हैदरगंज से काजीमैन, हैदरगंज से करबला मोहल्ला, हैदरगंज से नजफ अशरफ, हैदरगंज से मदीने मुनव्वरा, हैदरगंज से गुंबद खजरा, यहां से पसंद, यहां से पसंद हमने भेजी। अब वहां जब पहुंची, अरे हैदरगंज वाला मेरी पसंद जानता है, मैं बगदाद में,
मैं काजीबाइन में, मैं करबला में, मैं नजफ में, मैं मदीने में, मैं जन्नतुल बकी में, मैं जन्नतुल माला में, और ये लखनऊ में मेरी पसंद जानता है तो मैं भी इसकी जरूरत जानता हूँ। इसे औलाद नहीं है, इसका कारोबार नहीं है, इसे बरकतें नहीं हो रही है, इसे नौकरी नहीं मिल रही है। हम जिंदा थे, जो उन्हें पसंद था वो हमने यहाँ से भेजा, वो जिंदा है, उन्होंने वहां से लौटाया। हम जिंदा थे अजमेर वाले को भेजा, हम जिंदा थे कलियर वाले को भेजा, हम जिंदा थे किचलसे वाले को भेजा, हम जिंदा थे मखदूम मीना को भेजा, हम जिंदा हमने भेजा और वो वहां जिंदा उन्होंने लौटाया। अब जरा लखनऊ के मुर्दों को देखो, ना इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता है। ना इधर से कुछ जाता है उधर से कुछ आता है। इन मुर्दों को कितनी तकलीफ होती होगी, इस दरवाजे में जाने हैं, उस दरवाजे में जाने, तकरीर बंद करा दो, जलना बंद करा दो, ये भारत है तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं। यहाँ संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, मैं उन अधिकार की बनी हुई रेखा का उल्लंघन नहीं करूंगा। हमारे यहाँ बहुत अहम है कानून और लॉ, जब्ते को मजबूत बनाना। हमें जब तक इस्लाम नहीं आया था लाकानूनियत थी, इस्लाम आया तो अदालत आई, इस्लाम आया तो नज्म व नस्क आया, इस्लाम आया तो खिलाफत व इमामत के जलवे दिखाई पड़े, इस्लाम आया तब सिस्टम आया। हम सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, हम लखनऊ से नफरत का जनाजा निकाल के रहेंगे, हम ये घृणा की राजनीति चलने नहीं देंगे। अरे मुर्दों से तो गोमती बहुत गंदी हो चुकी है, इन गंदों से भी हम उसे गंदा करेंगे। मेरे दोस्त, ये शहर को अमन का शहर बनाना है, शांति का नगर बनाना है, हमको हर किस्म के आतंकवादियों से बचना है। और खाली आतंकवाद के विरोध से काम नहीं चलेगा, नेट करो, नॉमिनेट करो कि आतंकवादी कौन है। तेरे दारुल उलूम से पढ़ के निकलने वाले आतंकवादी है कि नहीं, नेपाल और भारत के बॉर्डर पर तेरे अकीदे वाले आतंकवादी है कि नहीं, तालिबान तेरी प्रोटेक्शन है, मुल्ला उमर तेरा है। हम मुल्ला उमर को क्या जाने, हमारे पास हजरत उमर है, हमको ये अमेरिका का एजेंट नहीं चाहिए। आप समझो, ये सहाबा की तारीफ करेंगे, नबी की तो कर नहीं पाते। पहले हमको छेड़ना मत, वरना तहजीबुल्नास सामने आएगी, तकवीतुल ईमान सामने आएगी, बराही ने कातिया सामने आएगा, फिर तुम्हारा छपा हुआ कुफ्र। इसलिए हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हमें करने दो, छुप छुप के साजिश मत करना। तकलीफ में अम्मा याद आवे, बहन याद आवे, नबी और अली अल्लाह। जरा सी मुसीबत बन गया तो अमेरिका से मदद ले रहे हैं, बर्तानिया से मदद ले रहे हैं। अब मदद मांगना शिर्क नहीं है? अरे भैया, मुसीबत में सब अपने पीर ही का तो नाम लेते हैं, पीरों का पीर, वलियों का वली, इमामों का इमाम, मौलाए कायनात अली मुर्तजा। मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे जमन, आफताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन, हम मुसीबत उन्हें पुकारेंगे, दूर हो जा नजर से मुश्किल, दूर हो जा नजर से मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूं, दूर हो जा नजर से मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूं, हजराते गिरामी तवज्जो चाहूंगा। जिंदगी पैगंबर से वफादारी का नाम है, जो जितना बड़ा वफादार होगा उतनी ही मजबूत उसकी जिंदगी होगी। अच्छा
में पैदा होकर घटिया यजीद आला तरीन जात से टकराया, जो रसूल की आंखों का नूर फातिमा ज़हरा का, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दिल का चैन, मिल्लत इस्लामिया के लिए हुसैन, सिद्दीक अकबर से लेकर बिलाल हबशी तक जो जिस दर्जे का वफादार है, जिंदगी उतनी ही उसकी मजबूत। यजीद ने तो मिटाना चाहा पर छा गए हुसैन। हमें ऐसा तो किसी ने नहीं सुना होगा कि एक आदमी सुन्नी बने और अपने को सुन्नी ना कहे। कभी सुना कोई शिया बने और कहे मैं शिया नहीं हूं, हिम्मत ही ना पड़े शिया कहने की, कादियानी बन जाए और ना कहे कि मैं कादियानी हूं, ऐसा नहीं मिलेगा। यजीद फिरका है, बनता है बोलता नहीं, बड़ा शर्मिंदा है। अबे मैं कहां मना करता हूं, बन जा यजीदी, बन जा यजीदी, अब 72 नहीं है, अब हम करोड़ है। क्योंकि खैबर शिकन की औलाद ही किला गिराएगी। देखिए जनाब, हम तो बहुत छूट देते हैं, तुम आस्तिक बनो, नास्तिक बनो, हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, बस यही गुजारिश है, जो बनो जरा ईमानदारी से बनो। क्या बुराई है इसमें भाई? अब आप देखिए यजीद क्या है जी। हाँ उसे हम लोग हनफी हैं। अबे हनफी तो मैं भी हूं, तो तू मेरी तरह क्यों नहीं है? मैं तो हनफी क्या, तो अबू हनीफा ने उसे काफिर नहीं कहा है, हम कैसे कहें? अभी ये तकलीद का मसला है, ये कोई नमाज रोजा वजू का मसला है? तकलीद तो मसाइल में, ईमान में तो तकलीद ही नहीं है। किसी की वजह से हम नबी को नहीं मानते, नबी की सच्चाई पर नबी को मानते हैं। हम यहूदियों को चिढ़ाने के लिए खुदा को नहीं मानते, खुदा बरहक है इसलिए मानते हैं। हम अरबों को चिढ़ाने के लिए रसूल को नहीं मानते, रसूल बरहक है इसलिए मानते हैं। हम सहाबा को भी रसूल का साथी समझ के मानते हैं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। तुम तो पूरा जुलूस चिढ़ाने के लिए निकलते हो, अबे मानने के लिए कब निकलोगे? कब मानने वाली बात, नबी को तो मान नहीं पाए, इनको कैसे माने? ना अहले बैत को माना, ना सहाबा को माना, अपनी मनमानी को माना, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप फल से मोहब्बत करें और जड़ से बगावत। नबी मेरी तरह, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी चमार से ज्यादा सलील, ये सब किताबों में है। अबे रसूलुल्लाह को नहीं मानता, तभी तो जुलूस से मोहम्मदी भी नहीं निकलता। अबे सुलह करनी थी, सुलह करनी थी, मैं नहीं रोक पा रहा हूं अपने को, नहीं रोक पा रहा हूं। जुलूसों की सुलह करनी थी तो कहता क्यों नहीं कि सुलह शियों में और वहाबियों में हुई है, वरना मुझे समझौते पर किसी सुन्नी आलिम के दस्तखत दिखा। सुलह में एक जुलूस लेना था, नौ देना था, हमें नौ नहीं तुम उन्नीस दो, हमें क्या पता, हमसे क्या मतलब? हाँ खुद एक लिया, शियों को नौ दिया, बड़ा प्यार किया। प्रैक्टिकल में तुम करीब हो, इल्जाम मुझ पे। और दूसरी बात यह है कि तुझे नबी क्यों नहीं याद आया?
बारह रबी अव्वल को तो ना अहले बैत थे ना सहाबा थे। बारह रबी अव्वल या आठ रबी अव्वल, सत्रह रबी अव्वल, जो भी रबी अव्वल हमारे एतबार से बारह रबी अव्वल, मेजोरिटी कह रही बारह रबी अव्वल। अबे जब नबी पैदा हुए तो सिर्फ नबी थे, नबी के अहले बैत तो थे नहीं। 25 साल के बाद अहले बैत, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा जिन पर मेरी माँ बहने कुर्बान, मिल्लत इस्लामिया की आबरू कुर्बान, वो खातून अव्वल, वो आला अफजल, वो सुरूर सीने सरकार, वो मेरे नबी के कलेजे का चैन, सैयदा खदीजा। 25 साल के बाद नबी ने शादी की तो अहले बैत सामने आए। 40 साल के बाद सहाबा, 40 साल के बाद सहाबा। अबे जो 40 साल बाद आया उसका कैसा जुलूस? सिद्दीक अकबर का जुलूस निकाल जब वो पैदा हुए, निकाल फारूक आजम का जब वो पैदा हुए, मेरा नबी पैदा हुआ उस वक्त ना सहाबा थे ना अहले बैत थे। बारह रबी अव्वल मेरे नबी का दिन है, हम सभी का दिन है। और ये जो समझौता हुआ है ये शिया सुन्नी में नहीं हुआ, ये अपना जुलूस 100 जुलूस, 200 जुलूस, 300 जुलूस, कितने जुलूस शिया लोग निकालते थे। हुकूमत इनकी थी, जितना चाहे निकालने भाई, सड़क इनकी, गली इनकी, शहर इनका। और फिर फसादी लोग आए, नहीं निकालने देंगे, नहीं निकालने देंगे, तेरी छाती पे निकालते थे क्या? तुम पूजा करने देते हो, शिर्क हो उसे नहीं रोकोगे, बुत परस्ती नहीं रोकोगे, बुतों का जुलूस नहीं रोकोगे, इमाम का निकालोगे। अबे कहने लगे यार बात ये है, यजीद से बहुत मोहब्बत हो गई, ताल्लुकात यजीद से है, करबला के शहीदों की याद कैसे बनाए? अबे तुम्हें सिद्दीक अकबर याद आते, तुमने अबू बकर के नाम पे, हजरत उमर के नाम पे, हजरत उस्मान के नाम पे बहुत काम किया, कोई अली के नाम पे भी किया। जब तुम चारों को नहीं मानते तो हम तुम्हें क्यों माने? शियत है तो सुन, हर सुन्नी शिया है। तुम्हारी इसी बदतमीजी का जवाब, तुम्हारी इसी बदतमीजी का जवाब इमाम शाफई मुज्तहिद फिल मजहब, हम सुन्नियों के चार स्कूल ऑफ लॉ हैं, चार फिक्ह के स्कूल हैं, शिया हजरात में तीन हैं, सुन्नियों में चार हैं, फिक्ह हनफी, शाफई, मालिकी, हंबली, चार हैं। शियों में इमामिया, जैदिया, जाफरिया, फिक्ह जाफरी, फिक्ह इमामिया, फिक्ह जैदिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने सातों फिक्ह पढ़ी है, तुमने कितना पढ़ा है? पढ़ा लिखा कुछ नहीं, अब्बा नवाब साहब। हम इस शहर को नफरत से पाक करेंगे इंशाल्लाह। हर फिरका अपने अपने अकीदे के मुताबिक जो करता है करे, हमें कोई तकलीफ नहीं, मगर हमें भी हमारे अकीदे के मुताबिक करने देना। हमारे कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लालच नहीं है, कोई टेंशन नहीं होना। और जब सुन्नियों तुमको छेड़ा जाए टेंशन में आना मत, ये रबी अव्वल का महीना शांति का महीना है, पैगंबर अमन और शांति के आने का महीना है। अबे देखते नहीं रसूल के घर वालों ने सब्र किया है, जबर नहीं किया। जहां तक रही ताकत की बात, इमाम हुसैन उनकी बात जाने दे, वो मेरी तो समझ के बाहर है। समझ के बाहर तो ख्वाजा गरीब नवाज है, इनके भी ऊपर पानी की पाबंदी लग गई थी। मेरे में गए थे ना और जाके बैठ गए अना सागर के किनारे, वो राजा के ऊंट आए और वो फौजी आए, बोले यहां पानी पे पाबंदी लगी है।
हम पहचान गए कि ख्वाजा साहब इमाम हुसैन के औलाद हैं। गरीब नवाज के बाद शादी पहुंचा सरकार, अला सागर का पानी हम पी नहीं सकते, राजा ने मना कर दिया, कहा ये मेरा प्याला ले जाओ, अला सागर से कहना इसी में आ जाओ। पूरा दरिया प्याले में, हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का 28वां बेटा, दर्जनों के बाद का बेटा प्याला भेज दे तो दरिया प्याले में आ जाए। गरीब नवाज के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप इमाम हुसैन अगर चाहते तो फिर आज सेने में चली आती। मुसलमान बनाना था, वहां इस्लाम बचाना था, यहां मुसलमान बनाना था। बनाने के लिए, बनाने के लिए करामत चाहिए, बचाने के लिए इस्तेकामत चाहिए। ये मानेंगे, अरे तुम बहरुल उलूम फरंगी महली को मानते नहीं, किसी नकली को मानोगे? हजरत अब्दुल बारी फरंगी महली, हजरत फरंगी, मेरा बाप पूरा इल्म दीन, मुफ्ती साहब गवाह हैं, मेरे वालिद गिरामी फरंगी महल में आलिम हुए हैं, मेरी रगों में फरंगी महल की इरफान है, इल्म है। तुमने कहां पढ़ा है बताओ? छेड़ो मत, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन एक हमारी आदत है, छेड़ेंगे किसी को नहीं, छिड़ गई तो छोड़ेंगे किसी को। अरे क्यों नहीं मुझे बुला लेते, मेरे पास आ जाओ, मेरी तकरीर में कोई बात गलत हो, अबे मेरी तकरीर पे हमला कर, गीबत क्यों? गीबत तो मरे हुए सगे भाई का गोश्त खाने जैसा है। अब बुजदिली का ये आलम, मेरे भाई शांति के साथ अपनी बात रखो, मेरी बात सुनो, पैदा हो नबी अब भूल जाओ नबी को। अच्छा साहब, हमने एक शिया से पूछा, भाई तू मौला अली को कितना मानता? बहुत मानता हूं। तो कह या अली अल मदर, बोला या अली अल मदर। मैंने से पूछा, आप हजरत उमर को कितना मानते हैं? बहुत मानते हैं। मैं कहो या फारूक अल मदर, चुप हो गया, पोल खुल गया। जो सहाबा को या करके याद न करे, चोर पकड़ा गया। ये माल मदीने का नहीं है, इनके पास नजद का माल है। अरे भाई या सिद्दीक अलबदन, सुन्नियों बोलने में कोई तकलीफ? या गौस अलबदन, या गरीब नवाज अलमदद, या अली अलमदद, या हुसैन अलमदद, हम तो सहाबा अहले बैत का नाम लेके या करते हैं, तुम्हारा गला क्यों फंसता है? दिल में वो है ही नहीं, हमें या नबी तो कहते नहीं, या उमर कैसे कहे? अरे बाबा मैं तो कहता हूं, भाई तुम फारूक आजम ही की सुन्नत पे अमल करो ना, याद कर, याद कर
सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया, फारूक आजम खलीफा दो एम बन कर गए, हजरत उमर बेटा आया, अब्बा हम लोग बाग में थे, मैं ऊपर खजूर तोड़ रहा था, खा रहा था, कुछ नीचे गिरा रहा था, नीचे हसन हुसैन थे, मेरी वो बचपन की बात थी। फिर क्या हुआ, मुझे डांटा हसन बिलाली ने, मुझे झिड़क दिया, क्या कहा, कहा मेरे नाना के गुलाम के लड़के, मेरे नाना के गुलाम के लड़के अच्छी अच्छी खजूर खाता है, खरा खरा फेंकता है। बचपना लाजपन हम भी जानते हैं, ऐसा कहा है, कहां बुलाला, सच्चे बाप के सच्चे बेटे, नूर आले नूर, कहा आपने ये कहा, सच सच कह दिया, इसीलिए तो हम दिलों में आ गए ना, वो लोग हरदम से बोले, हर मोड़ पे सच, हर सर्कमस्टेंसेस में सच, हर परिस्थिति में सच। दबदबे वाला खलीफा पूछ रहा है, क्या क्या कहा हमने, कहा है नाना के गुलाम के लड़के का, लिखो कहा है तो लिख दो, लिख दिया, दस्तखत कीजिए, दस्तखत करके अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, यह बात अब्दुल्ला इब्ने उमर की हो रही है, अब्दुल्ला इसे रख, ये सनद है कि तेरा बाप इनके लाला का गुलाम है। जो अहले बैत से, जो अहले बैत से इतनी मोहब्बत करे वही फारूकी है, वरना नसब बदला हुआ है। ऐसे कोई सैयद लिखने से सैयद थोड़ी हो जाएगा, अलवी लिखने से कोई अलवी हो जाएगा, सिद्दीकी लिखने से कोई सिद्दीकी, फारूकी लिखने से फारूकी नहीं होगा, वो रंग होना चाहिए, डीएनए एक होना चाहिए। अगर फारूक आजम का खून होता तो कभी भी वो ये ना कहता हुसैन गिर पड़े। अरे हुसैन ने तो यजीदियत को ऐसा गिराया है कि तू यजीद तो बन गया मगर कहलाने की हिम्मत आज भी नहीं है। और मेरा हुसैन ऐसा छा गया कि अब तो बगैर ढूंढे हुसैन मिलते हैं, कोई गुलाम हुसैन, कोई मोहम्मद हुसैन, कोई अली हुसैन, कोई अशरफ हुसैन, कोई अब्दुल हुसैन, कोई नूरुल हुसैन, एक भी यजीद देखा। बड़ी हिम्मत थी तेरे दादा में अब्दुल निकाल कर यही नाम रख दिया होता, गुलाम यजीद, मेरा यजीद, अकेला यजीद, प्यारा यजीद, फिर हम कुछ ना कहते मजीद। अभी ये क्या बात है कि जो तुम्हारा अकीदा है वो छुपाते हो, छुपाते हो तो बुराई है, बुराई है तो अपनाते क्यों हो। एक बात अच्छी तरह समझ जाइए, बात चल रही थी कि जो नबी को देखे और इस्लाम पर इंतकाल हो, ईमान के साथ मौत हो, वो सहाबी है और उसकी मदा मदहे सहाबा है। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर हजरत सलमान फारसी का ईमान लाना साबित है और मौत ईमान के साथ मरना, तो मदहे सलमान मदहे सहाबा, मदहे मकदार मदहे सहाबा, मदहे बूजर मदहे सहाबा, मदहे बेलाल मदहे सहाबा, मदहे अम्मार मदहे सहाबा, मदहे अली मदहे सहाबा, मदहे आयशा मदहे सहाबा, मदहे फातिमा मदहे सहाबा, मदहे हसनैन मदहे सहाबा, मदहे खदीजा मदहे सहाबा। जिसने भी रसूल को देखा ईमान के साथ गया उसकी मदह मदहे सहाबा है। मुझे बताओ कौन फिरका है जिसमें सहाबा नहीं है, एक दिला मर जाएगा तुझे, एक फिरका नहीं मिलेगा। झूठ मत बोलो, हर फिरके में सहाबा है।
अगर नहीं होंगे तो ताबई को नबी से जोड़ेगा कौन? रवायतों में तसलसल कहां से आएगा? दीन मुनकता हो तो बातिल है। आज का हमारा दीन हमारे ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, इस तसलसल को अगर कहीं मुनकता हो जाए, अबे रूहानियत में बायत मुनकता हो जाए, खिलाफत मुनकता हो जाए, तो मुरीद नहीं रहता। तो नबी, नबी के पास जो आती है कड़ी साहबा, उसके बाद जो आती है ताबई, उसके बाद तबे ताबई, ये कड़ियां हैं जो आज तक चली आ रही हैं। अगर एक कड़ी टूटी जंजीर गई। तब क्यों झूठ बोलते हो कि मदे साहबा उन वहां नहीं है, मदे साहबा यहां नहीं, सब जगह है। झगड़ा मदे साहबा में नहीं है, झगड़ा तादादे साहबा में है। तवज्जो चाहूंगा, तादाद में है। जैसे हमारा यहूदियों से मदहे अंबिया में झगड़ा नहीं है, तादादे अंबिया में। ईसाइयों से मदहे अंबिया में इख्तलाफ नहीं है। ईसाई भी नबी की तारीफ करता है, यहूदी भी नबी की तारीफ करता है, मुसलमान भी नबी की तारीफ करता, तादाद में इख्तलाफ है। हम जितने सहाबा को मानते हैं उससे कम मानते हैं। कुल और बास का झगड़ा है, कुल सहाबा की मदा, बास सहाबा की मदा। तब तो अब यहां कहां टबर रहा है, कहां गाली है, कहां तंज है, कहां तसरी है? या तो साफ साफ बात है कि तुम कुल साहबा की तारीफ करो, हम बास की करेंगे। अबे तारीफ दोनों का है, हमको भी करने दे, लेकिन साहबा की तारीफ का हक उसी को है, अहले बैत की तारीफ का हक उसी को है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गद्दारी करके न तुम किसी सहाबा के हो सकते हो, न अहले बैत के हो सकते हो। वाह वाह। अब आगे बढ़िए, और वो ये है कि जितने भी ईमान की बुनियादों असास हैं उन्हीं से इनका झगड़ा। नबी उलूहियत की दलील, नबी की तौहीन करते नहीं चलेगा। वाह वाह वाह। और फिर हम, हमारी ताकत का अंदाजा लगाओ, हम पंजतनी, पंजतनी, पंजतनी है। घर में भी हमारे पंजतन, घर में भी पंजतन। फॉर योर इंफॉर्मेशन, चार खुलफा, खुलफा राशिदीन कहते हैं, और हैं ठीक है नबी, चार खुलफा राशिदीन, पांच जाते क्या कहने, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, चार। अगर तुम चारों के वफादार हो तो चौथे के बारे में क्या करते हैं? हमें लखनऊ में एक बिल्डिंग दिखा दो, एक हाल, अंग्रेज के एजेंट के नाम का हाल बन गया। तवज्जो चाहूंगा, और अली के नाम का ना बने। अली ने यहूदियों की धज्जी उड़ाई है क्या? उसकी तकलीफ आज तक है। खैबर के दरवाजे को उखाड़ा क्या? उसका रंज अभी तक है। यहूदियों की इनायत से तू पैदा हुआ है, अली की करामत से हम पैदा हुए हैं। क्या तकलीफ है मौला अली से आपको? आप हजरत अबू बकर के नाम पर लगाइए मेरे सर आंखों पर, हजरत उमर के नाम पर लगाइए, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान भाई अकीदे की बात है, अहले सुन्नत का यही अकीदा है, मगर अली भी तो है। मैं बताऊं, तुम अली से बच नहीं सकते, भाग के देख, मौला अली से बच नहीं सकते। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन, नबी, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, पंजतन, पांच दर से, पांच घर के, पर
सुन्नियों, मेरे अली की किस्मत देखो, इसमें भी अली उसमें भी अली। मदहे सहाबा का या करो, अली को याद किया करो। मदहे अहले बैत किया करो, अली को याद किया करो। वो घर वाला भी है, दर वाला भी है। एक बात ये बताते चलो, कभी आपको उन्होंने बताया लखनऊ का मिजाज यूं है? लखनऊ का मिजाज देखूंगा या मुस्तफा जाने रहमत का मिजाज? मदीने वाले का मिजाज देखना है या यहाँ का मिजाज देखना है? तुम दुनिया का मिजाज देख के दीन फैलाओगे? भाइयों, आपको छेड़ा जा सकता है, आपको चिढ़ाया जा सकता है, आपको तंज किया जा सकता है, आपकी रिकॉर्डिंग पे पाबंदी लग सकती है, आपके रैले करने पर पाबंदी लग सकती है, लड़ना मत, झगड़ना मत, शहीद बनने के लिए तैयार रहो, यजीद बनने के लिए कभी तैयार रहो। अपनों शांति के साथ रहना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मरीज गंभीर है, मर्ज गहरा है, कैंसर पुराना है, ऑपरेशन एहतियात से करना पड़ेगा। जब तक प्रॉब्लम ऑपरेशन थिएटर में है, गौसो खाजा की मेहरबानी से कोई सर्जन आ गया है, मैं पूरे लखनऊ को पाक साफ, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस, एक दूसरे के लिए नजरअंदाज, धैर्य की बात करता हूं। अपने अकीदे पे जम के सुन्नियों अमल करो, अपने अकीदे पे जम के वहाबियों अमल करो, अपने अकीदे पे जम के तुम शियों अमल करो। तुम शियत समझाओ, तुम वहाबियत समझाओ, मैं सुन्नियत समझाऊं। जिसकी समझ में जो आए उसको ले। मुंह पे हाथ क्यों रखते हो? बोलने ना दो, पाबंदी लगा दो, डरते क्यों हो? पाबंदी उस पे नहीं लगती जो बंबई से उत्तर भारतीयों को निकाल रहा है। गलत गलत बात कहने वाले आजाद हैं। अब मैं सही सही कह रहा हूं भाई, आप बताइए लखनऊ में आप कितने हैं? अरे हमने आपको जोड़वाया नहीं तो आप अपने को सब कुछ समझ बैठे? 11 आदमी भी तो नहीं है। अबे जब 11वीं द्वार है नहीं, तुम्हें बोलना तक तो आता नहीं, कहते हो 12 वफात है। अबे 12 रबी अव्वल को 12 वफात कहता है? कहीं रसूल का वफात हुआ, अबे वफात हुई हुई क्या, अब भी वफात है? एक लम्हा के लिए आई थी उन्हें भी मौत, एक लम्हा के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। नबी के लिए वफात अब बोलता है? कहीं मौत आई थी, अबे मौत तो अमीर हमजा को भी आई थी, मौत अमीर हमजा को मुर्दा ना बना सकी, मौत अली मुर्तजा को मुर्दा ना बना सकी, मौत बद्र उहद के शहीदों को मुर्दा ना बना सकी, मौत खैबर हुनैन के शहीदों को मुर्दा ना बना सकी, मौत इमाम हुसैन को मुर्दा ना बना सकी, मौत अली अकबर को मुर्दा ना बना सकी, मौत कासिम बिन हसन को मुर्दा ना बना सकी, मौत कमर बड़ी हाकिम को मुर्दा ना बना सकी, मौत शहदाए करबला को मुर्दा ना बना सकी, मौत सैयद सालार मसूद काजी को मुर्दा ना बना सकी। अरे दादान, जो मौत हम जैसे उम्मती शहीदों को, जो उम्मतियों को मुर्दा ना बना सकी, उस मौत में इतनी ताकत कहां कि नबी को मुर्दा बनाए। जुलूस मुहम्मदी लिखते हुए तुम्हें क्यों
प्रशासन पूछे, उसके दिमाग में यह भाई डाल दिया गया है पूरा लखनऊ इनका है, ये किसके हैं ये भी तो देख। जब अमेरिका ने कहा आतंकवाद फैला दो आतंक फैला दो आतंक फैला दो, ये सहाबा की मदद करने का मुंह रखते हैं, सुन्नियों का हक